अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की गिरफ्तारी के बाद अब शिकंजा भगोड़े विजय माल्या पर कसने वाला है और इसी के डर से माल्या को अपना पूरा कर्ज चुकाने के लिए राजी होने पर मजबूर कर दिया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि न जाने कितनों के कर्ज के बोझ तले दबा माल्या भारत में खुद को न्याय न मिल पाने की आशंका जता रहा है। ब्रिटेन की अदालत से माल्या के भारत प्रत्यर्पण पर फैसला चाहे कुछ भी आए, लेकिन भगोड़ा शराब कारोबारी माल्या खुद को शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। माल्या का केंद्र सरकार पर आरोप है कि सरकार ने एक तरफ बैंकों को उसकी पेशकश स्वीकार न करने का आदेश दे दिया, वहीं दूसरी तरफ ईडी को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया। इसके अलावा अपने लिए बनी धारणा को भी माल्या ने दुरुस्त करने की कोशिश की है। माल्या ने खुद पर लगे सरकारी धन की चोरी कर देश छोड़कर भागने के आरोप से इनकार किया है। माल्या ने कहा कि उसने किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए खुद का 4,000 करोड़ रुपए लगाया। माल्या का कहना है कि जिन बैंकों से उसने कर्ज लिया है वो बैंक उससे 100% मूलधन ले लें ताकि जनता के धन को कुछ नुकसान न हो, ब्याज पर कोई स्वतंत्र अदालत फैसला करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगोड़े माल्या को भारत में राजनीतिक वजहों से निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है।